जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान अपनी पठान को हिट करवाने के बाद अब जवान के प्रमोशन में जाने से पहले अपने जितने भी छोटे मोटे काम है उसको निपटाने की कोशिश में लग चुके हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि टाइगर 3 की जो शूटिंग होने वाली थी, जिसके अंदर टाइगर 3 के अंदर आपको शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलने वाला था, उसकी शूटिंग को शाहरुख खान ने अब ज्वाइन कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो शाहरुख खान के लिए जो सेट तैयार होना था वो पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है, जिसके लिए सलमान खान ने काफ़ी मेहनत की उस सेट को खुद बनवाने में, क्योंकि उसके अंदर जो शाहरुख खान का और सलमान खान का आपको जो एक्शन सीन देखने को मिलने वाला है वो आपको उसी सेट पे देखने को मिलने वाला है, और उस सेट को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। बात करें शाहरुख खान की तो शाहरुख खान भी इस एक्शन सीन को फिल्माने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, वो इसीलिए इस शूट को फटाफट कम्प्लीट करना चाह रहे हैं, और ये जो शूटिंग है वो 10 से 12 दिन पूरी पैक तरीके से होने वाली है, इसीलिए अब शाहरुख खान जो है वो 10 से 12 दिन के लिए बिल्कुल ही बिजी होने वाले हैं इस फिल्म की शूटिंग के लिए। और अगर इस फिल्म की बात करें तो शाहरुख खान का बहुत ही भरपूर आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है, और फैंस भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, और इस फिल्म से जितने भी अपडेट मिलते हैं फैंस को, उसकी जो खबर मिलते ही काफ़ी ज़्यादा खुशी सी नज़र आती है फैंस के चेहरों पे। इस सेट के ऊपर इतना पैसा खर्च किया गया है कि इस सेट की सिक्योरिटी भी काफ़ी तगड़ी कर दी गई है, जिससे इस सेट से कोई भी सीन लीक ना हो पाए। हाल ही में जैसे आपको जवान का और प्रभास की फिल्म सलार का जो सीन आपको लीक हुए थे, लेकिन मेकर्स ने अपने साथ बहुत बड़ी चालाकी की है कि इस फिल्म से, इस सेट से कोई भी सीन जो है वो लीक ना हो पाए, इसीलिए काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी कर दी है। वहीं बात करें टाइगर 3 के फिल्म के बारे में तो ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, इसको एक बड़े लेवल पे बनाया गया है और बड़े लेवल पे रिलीज किया जाएगा, तो इसका जो एक्साइटमेंट है फैंस के चेहरे पे भी काफी जबरदस्त तरीके से हमको देखते हुए मिलती है। और शाहरुख खान और सलमान खान का इसके अंदर जो एक्शन सीन आपको देखने को मिलने वाला है उसके लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और काफी ज्यादा खुश एक नजर आ रहे हैं, और यही एक फिल्म है जो कि पठान को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि आपने अभी हाल ही में आई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का कलेक्शन तो देख ही लिया होगा कि कितनी बुरी तरीके से वो पिटी है, 150-200 करोड़ ही कमा पाई है वो फिल्म। बाकी दोस्तों, आपकी इसके ऊपर क्या राय है हमको कमेंट करके जरूर बताएं।